नमस्कार, आप देख रहे हैं जी हिंदुस्तान और आपके साथ इस वक्त मैं हूं लक्ष्मी उपाध्याय और मैं हूं आपके साथ श्वेता भट्टाचार्य। रात के 10 बजने वाले हैं और हम हाजिर हैं 10 बजे के बुलेटिन के साथ। सबसे पहले आइए जान लेते हैं रात 10 बजे के इस बुलेटिन में क्या कुछ खास रहने वाला है। पहली बड़ी खबर, आईएमए ने बाबा रामदेव के खिलाफ जंग छेड़ दी है, डॉक्टर विरोध प्रदर्शन पर उतारू हैं, तो उधर बाबा रामदेव ने भी आईएमए को सवालों की सूची थमा दी है। लेकिन इसमें आज की खबर है खिलाड़ी कुमार की एंट्री, यानी अक्षय कुमार जिनका वीडियो बाबा के लिए बड़ी ताकत बन गया है। वहीं दूसरी खबर दीदी की है, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने नई चाल चल दी है, मुख्य सचिव अल्पन को केंद्र ने वापस क्या बुलाया, दीदी बिफर गई। फिर आज नया दाव चल दिया है, दीदी ने 3 महीने का एक्सटेंशन रद्द कर दिया और अल्पन बंदोपाध्याय को रिटायर कर उन्हें अपना सलाहकार बना दिया गया है। तीसरी बड़ी खबर पाकिस्तान से है, जहां इमरान का नया पाकिस्तान दम तोड़ रहा है। पत्रकारों की जान पर आफत बनी हुई है, पाकिस्तान के फेमस पत्रकार हामिद मीर से इमरान खान और बाजवा डर से कांप रहे हैं। सेना और सरकार के खिलाफ सवाल क्या किया, हामिद मीर को जियो न्यूज से हटा दिया गया। तो चलिए अब तीनों खबरों को एक एक करके विस्तार से आपको बताते हैं। तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर से टकराव की राजनीति तेज कर दी है। राज्य के जिस प्रमुख सचिव को केंद्र ने बुलाया और उन्होंने केंद्र का आदेश मानने से इनकार कर दिया। जी हां, उनके इस्तीफे के बाद ममता सरकार ने उन्हें अपना प्रमुख सलाहकार नियुक्त कर लिया है और इस तरह केंद्र से टकराव का एक नया मोर्चा खोल दिया है ममता बनर्जी ने। सवाल है, देश या राज्य संविधान और नियम कायदे कानून से चलेगा या इस तरह की मनमानी से? सेंटर को चैलेंज, रिश्ते अनबैलेंस, दीदी का दांव या दादागिरी। एक बार फिर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने टकराहट वाली सियासत तेज कर दी है। एक बार फिर ममता बनर्जी ने संघीय ढांचे के कायदे कानून को चैलेंज किया है। एक बार फिर दीदी ने अपनी सियासी दादागिरी दिखाई है, पर सवाल है कि सेंटर के साथ इस जोर आजमाइश के पीछे क्या है, आम लोगों की चिंता या सिर्फ अहम की लड़ाई? पहले देखिए ममता की सियासी अदावत का तूफान। दरअसल पश्चिम बंगाल के चीफ सेक्रेटरी रहे अल्पन बंदोपाध्याय पर मोदी और ममता सरकार के बीच ठनी है। चीफ सेक्रेटरी अल्पन को केंद्र सरकार ने वापस दिल्ली बुलाया था, लेकिन अल्पन ने आदेश का उल्लंघन किया और दिल्ली नहीं आए और केंद्र के आदेश को ठेंगा दिखाते हुए आज एक तरफ अल्पन रिटायर हुए और दूसरी तरफ उन्हें ममता बनर्जी का मुख्य सलाहकार नियुक्त किया गया। ममता के तेवरों ने उनके इरादे जता दिए थे। अल्पन बंदोपाध्याय लाइक हिम ए ब्राइट ऑफिसर, आई विल नॉट अलाउ हिम टू लीव अस फाइनली। चीफ सेक्रेटरी इज ओके, टुडे इज अ रिटायरमेंट डे, इट इज हिज डिजायर, ही कैन टेक ए डिसीजन एंड आई थिंक ही हैज द गट्स। He has the boldness and I allowed him to be chief advisor of chief minister. He will start his work from today itself. Tomorrow, because today is his retirement day, so I have already ordered. दरअसल एक तरफ ममता ने दाव दिखाया तो दूसरी तरफ विक्टिम कार्ड खेल दिया। कोरोना और यास पीड़ितों से जुड़े राहत कार्यों का हवाला देकर चीफ सेक्रेटरी को साथ रखने का बहाना निकाल लिया। हैरानी इस बात पर है कि क्या राज्य की पूरी व्यवस्थाएं किसी एक अधिकारी के हाथ सिमट जाती है? क्या अल्पन बंदोपाध्याय के बिना राज्य में राहत के कोई काम संभव नहीं? आखिर क्यों ममता बनर्जी ने अल्पन को दिल्ली बुलाए जाने का आदेश अपमानजनक बताया? सेंट्रल गवर्नमेंट गेव अस अ लेटर एंड इट वाज आवर ड्यूटी टू रिप्लाई द लेटर, सो वी हैव रिप्लाई दैट लेटर एंड नाउ आई कैन नॉट टेल यू एनीथिंग मोर because nothing is with my hands now. If I get the something details, then I can let you know. दुर्भाग्य से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ये समझती हैं कि मैं इस प्रदेश की प्रधानमंत्री हूँ। देश के प्रधानमंत्री को यदि वो कुछ नहीं समझेंगे तो मैं समझता हूँ कि संघीय ढांचे का अपमान है, प्रजातंत्र का अपमान है और उनके इस अहंकारी व्यक्तित्व की मैं निंदा करता हूँ। दरअसल इस टकराव की शुरुआत 28 मई को प्रधानमंत्री मोदी की तूफान पर समीक्षा बैठक से हुई, जिसमें सीएम ममता और चीफ सेक्रेटरी दोनों आधे घंटे लेट पहुंचे
और मीटिंग खत्म होने से पहले दोनों चले गए। सवाल है, देश संविधान और कायदे कानून से चलेगा या मनमानी से? इसलिए केंद्रीय सरकार आदेश की नाफरमानी करने वाले अल्पन बंदोपाध्याय के खिलाफ कार्रवाई करने की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार अल्पन बंदोपाध्याय को चार्जशीट भेजेगी। बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा प्रभावित लोगों को राहत नहीं मिली। अब तक पिछले साल आए अम्फान तूफान के पीड़ितों तक राज्य सरकार राहत नहीं पहुंचा पाई है, लेकिन यास तूफान प्रभावितों को राहत के नाम पर सियासी अदावत जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस वक्त जो बड़ी खबर मिल रही है वो आपको बता दें, आयुर्वेद और एलोपैथी में घमासान के बीच बैकफुट पर आए हैं बाबा रामदेव। कहा है, अब खत्म करना चाहता हूँ ये विवाद। जल्द दुनिया का श्रेष्ठतम मेडिकल कॉलेज खुलेगा पतंजलि का, ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें। कल ही ये 1 जून का जो तारीख है जो डिसाइड की गई है डॉक्टर्स एसोसिएशन की तरफ से, साफ तौर पर ये कहा गया है कि कल काला दिवस के रूप में मनाएंगे। पतंजलि का विरोध किया जाएगा जिस तरीके से बाबा रामदेव ने इन बयान दिए हैं, उसके बाद बाबा रामदेव बैकफुट पर आते हुए नजर आ रहे हैं। तो आयुर्वेद और एलोपैथ की जंग में देश भर के डॉक्टर्स ने मंगलवार को काला दिवस मनाने का ऐलान कर दिया है। वहीं बाबा रामदेव के चेहरे पर खुशी छा गई है क्योंकि योग गुरु को अब बॉलीवुड का समर्थन मिला है। बाबा रामदेव अब बॉलीवुड एक्टर का वीडियो ट्वीट कर लोगों को अंग्रेजी दवाएं दूर रहने के लिए कह रहे हैं। हाँ जी, बाबा रामदेव कह रहे हैं कि आपको अंग्रेजी दवाइयों से दूर रहना है, आयुर्वेद पर फोकस करना है। हरिद्वार में खिला बाबा रामदेव का चेहरा, माया नगरी में मिला आयुर्वेद का नया चहेता, एलोपैथी और आयुर्वेद में छिड़ा है प्रॉक्सी वॉर। बाबा रामदेव दे रहे अंग्रेजी डॉक्टरों को करारा जवाब। एलोपैथिक डॉक्टरों से बाबा रामदेव ने तीखे सवाल पूछे तो अंग्रेजी दवाई वाले डॉक्टरों ने योग गुरु के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। बाबा रामदेव के खिलाफ केस दर्ज करा दिया, देश भर में विरोध प्रदर्शन होने लगे। डॉक्टर तो इतने आहत हुए कि काम बंद कर धरना देने के लिए ही निकल पड़े। लेकिन अब बाबा रामदेव को बॉलीवुड से समर्थन मिला है। अक्षय कुमार ने योग और आयुर्वेद की तारीफ की। अक्षय ने कहा कि पारंपरिक भारतीय चिकित्सा पद्धति का कोई स्थानी नहीं। मैंने ये जाना कि शायद हमें अंदाजा भी नहीं है कि आयुर्वेद के रूप में भगवान ने हमारे देश को कितना बड़ा खजाना दे रखा है। हमारे आयुर्वेद और योगा जैसे हिंदुस्तानी तरीकों में जो ताकत है वो किसी अंग्रेज के केमिकल इंजेक्शन में नहीं है। अक्षय ने कहा कि ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसका इलाज आयुर्वेद न कर सके। अक्षय के आयुर्वेद को समर्थन करता देख योग गुरु ने खुद उनके वीडियो ट्वीट किए। वीडियो में अक्षय बता रहे हैं कि उन्हें कैसे आयुर्वेद से फायदा हुआ। मैं शर्त लगाने को तैयार हूँ कि आपके शरीर में ऐसा कोई बीमारी नहीं है जो जिसका इलाज हमारे ट्रेडिशनल इंडियन मेडिसिन सिस्टम में ना हो। अक्षय ने न सिर्फ आयुर्वेद का समर्थन किया बल्कि एलोपैथी को महंगा भी बताया। साथ ही कहा कि दुनिया भारत में आयुर्वेद से इलाज कराने आती है और हिंदुस्तानी अंग्रेजी दवाओं की तरफ भागते हैं। हम अंग्रेजी दवाई की गोलियां खाकर, प्रोटीन शेक पीकर और स्टेरॉइड के इंजेक्शन लेकर जीने को जीना समझ रहे हैं। किसी विदेशी स्पा में जाकर फैंसी मसाज करवा के अच्छी सेहत ढूंढ रहे हैं। और मजे की बात बताऊं, अक्षय कुमार ने लोगों से आयुर्वेद और योग की कीमत समझने की अपील की। बाबा रामदेव अक्षय का वीडियो देख इतने गदगद हुए कि ट्वीट किया और लिखा है, आप अपनी बॉडी के खुद ब्रांड एम्बेसडर बने, सिंपल और हेल्दी लाइफ जिए और दुनिया को दिखा देते हैं कि हमारे हिंदुस्तानी योग व आयुर्वेद में जो ताकत है वो किसी अंग्रेज के केमिकल इंजेक्शन में नहीं है। योग ऋषि रामदेव। अक्षय कुमार ने भी आयुर्वेद के अलावा यूनानी और होम्योपैथी पद्धति का समर्थन किया। वहीं देश भर के डॉक्टर्स ने बाबा रामदेव के बयान और सवालों से आहत होकर 1 जून को काला दिवस मनाने का ऐलान किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस वक्त बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से मिल रही है जहां लापरवाह कर्मचारियों को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्त आदेश दिया है। लापरवाह कर्मचारियों पर सीएम योगी की सख्ती देखने को मिली है। एक छोर से दूसरे छोर ट्रांसफर करने का आदेश दिया है। बलिया सीएमओ के वरिष्ठ सहायक को सस्पेंड किया गया, पेंशन भत्ते देने में वरिष्ठ सहायक ने बरती है लापरवाही। बलिया सीएमओ डॉक्टर जितेंद्र पाल का हो चुका है निधन, ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें। तो बलिया सीएमओ डॉक्टर जितेंद्र पाल का निधन हो चुका है जिसके बाद पेंशन देने में
लापरवाही महंगी पड़ी है। यहां बलिया के सीएमओ के वरिष्ठ सहायक को सस्पेंड कर दिया गया है। लापरवाही उनके काम में सामने आई है, जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त आदेश जो है वो दिया है। लापरवाह कर्मचारियों पर यह सख्ती देखने को मिली है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से। एक छोर से दूसरे छोर ट्रांसफर करने की बात कही है, आदेश दिया है कि अगर जो कर्मचारी लापरवाह हैं, वो ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, तो वो जहां पर हैं उससे दूसरी छोर पर उनका ट्रांसफर कर दिया जाए। एक जगह पर रहते हुए कर्मचारी जो हैं वो अपनी मनमानी करने लगते हैं, और वजह यही है कि उन्हें दूसरी तरफ ट्रांसफर करने की बात कही गई है। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है यूपी से, जहां कल से मेगा वैक्सीनेशन की शुरुआत होने वाली है। यूपी में कल से सभी जिलों में 18 प्लस का वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा। लखनऊ से अभियान की शुरुआत होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है लखनऊ से इस अभियान की शुरुआत करेंगे। सभी 75 जिलों में 18 से 44 साल वालों का वैक्सीनेशन जो है वो किया जाएगा, यानी 18 प्लस 18 से 44 साल उम्र सीमा के बीच के लोगों का वैक्सीनेशन जो है, मेगा वैक्सीनेशन की शुरुआत जो है वो होने वाली है। और लखनऊ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत। कल से शुरुआत होगी, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें 18 प्लस के लिए कल से वैक्सीनेशन को लेकर महाअभियान की शुरुआत खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। वहीं एक और बड़ी खबर आ रही है, पीओके में पाकिस्तान आर्मी का जुल्म कोई नई बात नहीं, लेकिन अब तो पाकिस्तान आर्मी पीओके में लोगों की जमीन पर अवैध कब्जा करने लगी। लोगों की निजी जमीन पर पाक आर्मी अपना टेंट लगा रही है, पहले कुछ दिन रहने की बात करती है और बाद में वहां पक्का निर्माण करने लगती है। पीओके के लोग अब पाक आर्मी के खिलाफ आवाज उठाने लगे हैं। एक शख्स ने वीडियो जारी कर आप बीती सुनाई है किस तरीके से लोगों का दर्द सामने आ रहा है पाक आर्मी के खिलाफ, आइए आपको दिखाते हैं। अब देखें कि ये मेरा भाई का घर है और ये सामने पोस्ट क्यों पोस्ट होती है या क्या होता है इनका टेंट वगैरह ये लगा हुआ है। और ये आप देख सकते हैं, ये डिश पीपीआर की फिटिंग, आगे वॉश बेसन और बाथरूम का इंतजाम किया हुआ है इन्होंने अंदर, और पूरे डिटेल में सब कुछ रहने का बंदोबस्त किया हमारी जाती मलकियत में। और इसके साथ जाती मलकियत में ये एक और टेंट लगा हुआ है, और ये भी जाती मलकियत में टेंट लगा हुआ है, और ये भी जाती मलकियत में टेंट लगा हुआ है, और साथ में ये चार टेंट ये इस टेंट की बैक साइड पे हैं, चार टेंट और लगे हुए हैं। जब मेरी इनसे बात हुई तो इन्होंने बोला जी कि हम दो दिन में चले जाएंगे। फिर मैं आया, फिर मैं वापस गया इनके पास, काफ़ी देर इनसे बात होती रही, इन्होंने कहा कि पाँच दिन में चला जाएंगे। बात यह कि जाने या न जाने की बात अलग है, लेकिन इनसे मैंने पूछा कि वो किसकी इजाज़त से आपने लगाया, ये जाहिर है हमारी ज़ाती मिल्कियत है, तो इनके पास कोई जवाब नहीं था। और लिहाजा ये देखें, ये सीधी सीधी बदमाशी हो रही है, और ये साथ में जाहिर है यहाँ मोहल्ले वाले होते हैं और लड़कियाँ, बुजुर्ग, औरतें, बच्चे सब यहाँ से गुजर होता है, तो ये देखें कि कैसी बदमाशी मचाई हुई है, ये कौन सी मशकें हो रही है। अलीगढ़ से खबर है, अलीगढ़ में जहरीली शराब का खूनी कोहराम जारी है, अब तक 35 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। आज 3 और लोगों की अस्पताल में मौत हो गई है, कई दर्जन लोग अभी भी अस्पताल में मौत से जंग लड़ रहे हैं। अवैध शराब से मौतों पर लोगों में आक्रोश है। दूसरी तरफ पुलिस ने शराब माफिया पर नकेल कसने के लिए शहर शहर छापेमारी भी शुरू कर दी है। जहरीली शराब ने अलीगढ़ में 3 और लोगों की जिंदगी छीन ली। धनीपुर मंडी गांव में 3 युवकों की जान चली गई। आरोप है कि तीनों की मौत जहरीली शराब पीने की वजह से हुई है। आक्रोशित लोगों ने शवों का अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। अब जो पी रहे हैं, अब तक 51-52 मौत हो चुकी है, उन्हीं में से ही है ये। जिला अस्पताल के सीएमओ के मुताबिक अब तक 71 शवों का पोस्टमार्टम हो चुका है, जबकि कई और लोगों की मौत हो चुकी है। सभी शवों का बिस्तरा रखा गया है ताकि मौत की असली वजह का पता चल सके। अभी तक मेरी जानकारी में 71 है, अभी पोस्टमार्टम खत्म नहीं हुआ, अभी पोस्टमार्टम चल रहे हैं,
फाइनल टैली तभी बता पाएंगे जब ये चीजें पूरी हो जाएंगी। जिले के करीब एक दर्जन गांव में जहरीली शराब ने मौत का तांडव मचाया है। अवैध शराब कांड में पुलिस ने अब तक 17 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी अनिल चौधरी और 50,000 के इनामी विपिन यादव की निशानदेही पर अवैध शराब की फैक्ट्री गोदाम का भंडाफोड़ हुआ है। कई जगह दबिशें डाली गई और पहले 48 घंटे के अंदर ही 17 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इसमें कई ठेके के मालिक, कई सेल्समैन, कई उनके जो वहां पर केयर टेकर होते हैं या सुपरवाइजर होते हैं वो। फैक्ट्री से शराब बनाने का तमाम सामान भी बरामद हुआ। शराब माफिया अनिल चौधरी और विपिन की इसी फैक्ट्री में जहरीली शराब की पैकिंग भी होती थी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पाकिस्तान में इमरान सरकार और सेना की ज्यादतियों के खिलाफ आवाज उठाना गुनाह है। अपने खिलाफ विरोध की हर आवाज को बंदूक के दम पर कुचल रही है पाक सरकार। पहले विपक्षी दलों के गठबंधन के आंदोलन को दबाने की साजिश की गई और अब इमरान सरकार ने मीडिया को भी गला घोंटना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान के वरिष्ठ स्वतंत्र पत्रकार हामिद मीर के लोकप्रिय शो को इसलिए जबरन ऑफ एयर करवा दिया गया क्योंकि वो एक दूसरे पत्रकार पर हमले और उसकी गिरफ्तारी के खिलाफ सरकार और पाक सेना पर हमला बोल रहे। पाकिस्तान में मीडिया का गला घोंट रहे इमरान। पत्रकार हामिद मीर का शो जबरन कराया बंद। एर्दोगन के नक्श कदम पर चल रहे हैं इमरान खान। पाकिस्तान में लोकतंत्र का हाल किसी से छिपा नहीं है। वहां जनतंत्र सिर्फ दिखावे के लिए है। सत्ता और सरकार सिर्फ सेना और आईएसआई के इशारे पर काम करती है। सरकार और सेना से सवाल करना पाकिस्तान में संगीन जुर्म है। अगर किसी ने सरकार के खिलाफ आवाज उठाई तो उसका गला घोंट दिया जाता है। पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार हामिद मीर को सरकार के खिलाफ आवाज उठाने की सजा भुगतनी पड़ी है। उन्हें सिर्फ इसलिए न्यूज पढ़ने और टॉक शो होस्ट करने से रोक दिया गया क्योंकि उन्होंने सेना और इमरान सरकार के खिलाफ आवाज उठाई थी, क्योंकि उन्होंने एक दूसरे पत्रकार की गिरफ्तारी के खिलाफ मोर्चा खोल रखा था। कुछ दिन पहले उन्होंने इमरान सरकार के खिलाफ एक रैली की अगुवाई भी की थी। हामिद मीर ने ट्वीट किया है कि इसमें कुछ नया नहीं है, पहले भी मेरे ऊपर 2 बार प्रतिबंध लगाया जा चुका है, 2 बार मैंने नौकरी भी गंवाई है, ऐसा होने का अंदेशा पहले से था। इस तरह का प्रतिबंध मेरे लिए नया नहीं है। मैं संविधान में दिए गए अधिकारों के लिए आवाज उठाना बंद नहीं करूंगा। हामिद मीर ने पिछले दिनों पत्रकार असद तूर के समर्थन में एक रैली निकाली थी। इस रैली में उन्होंने सरकार और सेना के खिलाफ कठोर हमले बोले थे। बस फिर क्या था, इमरान खान और उनकी सेना को मिर्ची लग गई। सरकार के आदेश पर जियो टीवी ने उनके कार्यक्रम के प्रसारण को बिना कारण बताए ही बंद कर दिया और उन्हें जबरन छुट्टी पर भेज दिया गया है। हामिद मीर ने बताया है कि उनके परिवार को धमकियां दी जा रही हैं। उन्होंने ट्वीट किया है कि पिछले प्रतिबंध के दौरान एक बार मेरी हत्या का भी प्रयास किया गया था, लेकिन मैं बच गया। इस बार भी मैं किसी भी परिणाम के लिए तैयार हूँ, किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि वो मेरे परिवार को धमकी दे रहे हैं। हामिद मीर के कार्यक्रम पर लगे प्रतिबंध के खिलाफ पाकिस्तान के कई पत्रकारों ने आवाज उठाई है। पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर हामिद मीर टॉप ट्रेंड कर रहे हैं। एक टीवी शो की होस्ट असमा शेराजी ने कहा है कि जियो चैनल प्रबंधन को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने भी इमरान सरकार पर करारा हमला बोला है। उन्होंने ट्वीट किया है कि हाल ही में हामिद मीर पर हमला सलीम शहजाद की हत्या का षड्यंत्र, अफसार आलम की हत्या की साजिश, इससे पहले कि पाकिस्तान में फासिज्म धमकियां बहुत ज्यादा बढ़ जाएं, हमें इसे रोकना होगा। दरअसल इस्लामाबाद में स्वतंत्र पत्रकार असद अली तूर पर जानलेवा हमले के बाद विदेश में हो रही आलोचना से आईएसआई बैकफुट पर आ गई है। आईएसआई ने सफाई दी है कि ये उसे बदनाम करने की सुनियोजित साजिश है। इमरान सरकार के दमन के खिलाफ 11 विपक्षी दलों ने 4 जुलाई से आंदोलन के दूसरे चरण की शुरुआत की घोषणा कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। खबर उत्तर प्रदेश के मथुरा से। मथुरा में एक शख्स ने रेलवे ट्रैक पर कूदकर जान देने की कोशिश की। पूरी ट्रेन इस शख्स के ऊपर से गुजर गई, लेकिन गनीमत ये रही कि युवक को बिल्कुल भी चोट नहीं लगी। मथुरा में एक सरफरार रेलवे ट्रैक पर पहुंचा और ट्रैक के बीचों बीच लेट गया। ठीक उसी वक्त तेज रफ्तार ट्रेन ट्रैक पर पहुंच गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि युवक के ऊपर से ट्रेन गुजर रही है। इधर सिरफिरे को लोगों ने जब ट्रैक पर लेटे देखा,
तो उसे उठाने के लिए पहुंच गए, लेकिन सिरफिरा था कि ट्रैक से उठने के लिए तैयार नहीं हुआ। उठ उठ वहां से, ट्रेन गया क्यों लेटा है? अच्छा। क्यों लेटा ट्रेन के आगे? क्यों मरना है? क्यों मरना है? रोक रोक, मार का मुंह फोड़ दूंगा। रोक, ट्रेन गया क्यों कूदा है? क्यों कूदा ट्रेन के आगे बोल। दरअसल ये सिरफिरा ट्रेन को आता देख ट्रैक पर लेट गया। आदमी आया वो ट्रेन के आगे इंतजार देख रहा था ट्रेन का, वो ट्रेन जैसी आई बीच पटरी पर लेट गया था, वो पूरी ट्रेन लगाई उसके ऊपर। रेलवे लाइन के बीच में लेट आ रहा हूँ। अच्छा, कहीं उसकी चोटें भी आई थी? नहीं, उसकी कोई चोट नहीं आई, पूरी ट्रेन उसके ऊपर ट्रेन लगाई उसकी। गनीमत ये रही कि सिरफिरा ट्रैक के बीच लेटा था इसलिए उसकी जान बच गई। लेकिन आप ये गलती कभी ना करें, जिंदगी बहुत ही कीमती है और जिंदगी को खोने की गलती ना करें। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और मेरठ में दो समुदायों के बीच हुए महासंग्राम की सीसीटीवी तस्वीरें सामने आई हैं। मवाना इलाके में मस्जिद के पास दो समुदाय के लोगों ने एक दूसरे पर लाठी डंडे से किस तरीके से हमला किया, ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं। तस्वीरें इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जरा गौर से इन तस्वीरों को देखिए। समुदाय विशेष के लोगों पर घर में घुसकर धारदार हथियार से हमला करने का आरोप लगा है। ये तस्वीरें वायरल हो रही हैं। वायरल होने के बाद पुलिस ने 16 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। मारपीट के दौरान मस्जिद की छत से पथराव भी किया गया। कोरोना के महासंकट में वैक्सीन की बूंद बूंद कीमती है। लोग वैक्सीन के लिए दर दर भटक रहे हैं। दिल्ली और राजस्थान सरकार वैक्सीन की किल्लत का रोना रोकर केंद्र पर ठीकरा फोड़ रहे हैं। हर दिन पॉलिटिक्स होती है, लेकिन वैक्सीन की बर्बादी की हकीकत जानकर आपके पैरों तले की जमीन खिसक जाएगी। राजस्थान के केवल 8 जिलों में 500 वायल वैक्सीन डस्टबिन में मिली है, जिससे करीब 2,500 लोगों के लिए ये डोज हो सकती थी। रिपोर्ट देखिए। कूड़े में फेंक रहे वैक्सीन डस्टबिन बनी जिंदगी। राजस्थान में 2500 वैक्सीन डोज क्यों बर्बाद? दिल्ली और राजस्थान सरकार पिछले एक महीने से लगातार वैक्सीन को लेकर ऐसी राजनीति कर रही है, लेकिन वैक्सीन की बर्बादी की हकीकत देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। राजस्थान में वैक्सीन की बर्बादी की तस्वीर भी देख लीजिए। राजस्थान के 8 जिलों के 35 वैक्सीनेशन सेंटर पर वैक्सीन के 500 वॉयल डस्टबिन में मिले, जिसमें करीब 2500 से भी ज्यादा डोज हैं। केंद्र सरकार के आंकड़ों के मुताबिक राजस्थान में 16 जनवरी से 17 मई तक 11,50,000 वैक्सीन डोज बर्बाद की गई। वैक्सीन की बर्बादी को लेकर राजस्थान में सियासत भी तेज हो गई है। बीजेपी ने गहलोत सरकार पर बड़ा हमला बोला है। वेस्टेज हुई है वो स्वीकार कर रहे हैं, ये अपने आप में प्रमाण है जो सरकार की फेल्योर को उजागर करता है। क्यों नहीं उन्होंने जागरूक किया, क्यों नहीं व्यवस्था की, जो इनके पास अवेलेबल वैक्सीन थी तो उसको बेहतरीन तरीके से लगाते। ये जो सारी चीजें वेस्टेज को लेकर जो आंकड़ेबाजी कर रहे हैं, ये अपने आप को छिपाने के लिए ये तय है कि राजस्थान में चोरी भी हुई और उसकी बर्बादी भी हुई है और उसके जिम्मेवार ये लोग। अगर मोटिवेट करने में फेल होते तो पूरे देश में राजस्थान नंबर 1 वैक्सीन लगाने में नहीं होता। फेल हुई है मोदी सरकार, उसकी पॉलिसी वैक्सीन देने की लगाने की। वैक्सीन की बर्बादी को लेकर उठे सवालों पर राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री ने मीडिया रिपोर्ट्स को ही खारिज कर दिया। रघु शर्मा ने ट्वीट किया है, डस्टबिन में वैक्सीन मिलने की खबर तथ्यों से परे और भ्रामक है। वैक्सीन वॉयल्स का उपयोग करने के बाद इन्हें नियमानुसार संबंधित चिकित्सा संस्थान में जमा करवाया जाता है। इससे पहले राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत भी वैक्सीन की बर्बादी के केंद्र के आरोपों से पल्ला झाड़ चुके हैं। 28 मई को गहलोत ने ट्वीट किया था, प्रदेश में वैक्सीन की 11,50,000 डोज बर्बाद होने की खबर झूठी है। बीजेपी ऐसे झूठे आरोप लगाकर 14 महीना से मेहनत कर रहे कोरोना वॉरियर्स का अपमान कर रहे हैं। जिंदगी की डोज डस्टबिन में फेंक कर राजस्थान सरकार राजनीति कर रही है।
सीएम गहलोत खुद कई बार केंद्र सरकार पर वैक्सीन की पर्याप्त डोज नहीं देने का आरोप लगा चुके हैं। अब सवाल ये है कि लोगों की जिंदगी के साथ ऐसा मजाक क्यों किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इसी के साथ फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप देखते रहिए जी हिंदुस्तान।